नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 6 करोड़ रुपए, जी हां, यही वो रकम है जिसके इस वक्त दिल्ली पुलिस को तलाश है और जिसे ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम घोड़े खोल रखे हैं। मंगलवार सुबह सुबह दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में गन पॉइंट पर 4-6 लुटेरों ने एक बिजनेसमैन से यह रकम लूटी थी, वो भी भरी सड़क पर जबरदस्त ट्रैफिक के बीच बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। आपको बता दूं कि करीब 1.5 साल पहले 28 तारीख को ही इसी साउथ दिल्ली में ठीक इसी तरह गन पॉइंट पर एक बैंक के कैश वैन से कुल 5 करोड़ 25 लाख रुपए लूट लिए गए थे। जनवरी, साउथ दिल्ली का लाजपत नगर इलाका, सुबह के 9:25। 2 मिनट में 6 करोड़ की लूट, दिल्ली की सबसे बड़ी लूट। कालकाजी इलाके से राजेश कालरा नाम के बिजनेसमैन अपने 4 साथियों के साथ होंडा सिटी कार में सवार होकर करोल बाग के लिए निकलते हैं। कार में 5 लोगों के अलावा 2 बैग भी रखे थे। बैग में करीब 6 करोड़ रुपए थे। सुबह दफ्तर जाने का वक्त था और आम दिनों की तरह ही आज भी सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। कार उसी ट्रैफिक से होते हुए धीरे धीरे मूलचंद फ्लाईओवर पार कर लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के सामने पहुंचती है और तभी ठीक उसी वक्त पीछे से ग्रे कलर की एक वैगनर कार जिसका नंबर UP 14BJ 4610 है अचानक होंडा सिटी कार को ओवरटेक करती है और कार रोक देती है। ओवरटेक की वजह से दोनों कारों में भिड़ंत भी हो जाती है। कारों से भिड़ंत होते ही होंडा सिटी में सवार एक शख्स नीचे उतरता है और वैगनार के ड्राइवर से लड़ पड़ता है। पहली नजर में वहां से गुजर रहे राहगीरों को यही लगता है कि मामला रोड रेस का है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में ही पीछे से सफेद कलर की एक वरना कार आकर ठीक होंडा सिटी के पास रुक जाती है। वरना कार का नंबर था HR 26BQ 1105। कार रुकते ही उसमें से 3-4 लोग नीचे उतरते हैं। उनके हाथों में पिस्टल और देसी कट्टा था। वो होंडा सिटी में सवार लोगों को बंदूक के निशाने पर लेकर कार से बाहर उतरने को कहते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लोग होंडा सिटी से नीचे उतरते हैं, वरना में आए तमाम लोग उसी होंडा सिटी में सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं, उस बैग के साथ जिसमें करोड़ों रुपए थे। लुटेरों के कुछ साथी वरना में निकल भागते हैं, जबकि वैगन आर कार वो वहीं छोड़ देते हैं। बदमाश ये गाड़ी यहीं छोड़कर फरार हो गए। इसके अलावा अभी पुलिस के पास जो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ साथ एक गाड़ी है, ये किसके रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पर है, तमाम चीज़ों जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप देख सकते हैं अभी भी मौके पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद कुछ और स्थिति साफ करेगी। इस पूरी वारदात को अंजाम देने में मुश्किल से 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता। भरी सड़क पर जबरदस्त ट्रैफिक के बीच तमंचे के निशाने पर लुटेरे 6-7 करोड़ रुपए ले उड़े थे और किसी को पता तक नहीं चला। मौका वारदात से निकलने के बाद लुटेरों की दोनों कारें जंगपुरा की तरफ भागती हैं। उनके जाते ही राजेश कालरा और उनके साथी पुलिस को पहली बार फोन करते हैं। सुबह सुबह इतनी बड़ी लूट की बात सुनते ही पुलिस के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। फौरन पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, नाकेबंदी का ऑर्डर होता है और तब करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि लूट में इस्तेमाल की गई वरना कार लुटेरे मौका वारदात से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही सड़क किनारे छोड़ गए। घर से पैसा लेके जा रहा था, वो मूलचंद फ्लेवर के आसपास एक गाड़ी आगे इनको गाड़ी को रुकवाया। रुकवाने के बाद इनको एक्सीडेंट हुआ है करके इनसे झगड़ा करने लगा। इसके बाद दूसरी गाड़ी आई है, दूसरी गाड़ी से 4-5 लड़के निकले, निकल के इनको हथियार वगैरह दिखा के
इनको पैसा वह रहा था, वो गाड़ी को ऐसे लूट के लेकर चला गया। कार छोड़ जाने का मतलब साफ था कि कार चोरी की थी, वरना कोई यूं सबूत नहीं छोड़ता। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से बाद में पता चला कि कार गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 5 में रहने वाले मोतीलाल पारिक की है। पुलिस आनन फानन में मोतीलाल के घर पहुंचती है और तब पूछताछ में पता चलता है कि 24 जनवरी को उनकी वैगनार कार दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सुबह 6:30 बजे बदमाशों ने लूट ली थी। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने उसी दिन थाने में लिखा दी थी। यानी साफ हो गया कि लूट में इस्तेमाल कार भी लूट की ही थी। अब लुटेरों तक पहुंचने के लिए होंडा सिटी कार का मिलना जरूरी था। लूट की गाड़ी से दिया गया दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम। बदमाशों का प्लान इस कदर फूल प्रूफ था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ बदमाशों ने इस घटना को व्यस्ततम इलाके में अंजाम दिया, बल्कि आसानी से मेट्रो स्टेशन के सामने से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में किसी जानकार का हाथ हो सकता है और पुलिस की कई टीमें इस मामले में जगह जगह रेड भी कर रही हैं। लेकिन सुबह सुबह जिस तरीके से घटना सामने आई, उसने पूरी दिल्ली को सख्ते में जरूर डाल दिया है। कैमरामैन पिनाकी सेन, नितिन जैन और चिराग गोठी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।